आपका आशीष टेक्नोजॉन में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्निंग ऐप के सीरीज़ के बारे में। तो मैं इसे स्टार्ट करता हूं और हम लोग पिछले वीडियो में प्रोफाइल पेज भी बना चुके हैं और यहां से अर्निंग पेज भी बना चुके हैं और इसके बाद हमारा अब बच गया है रिडीम का पेज। तो आज हम रिडीम के पेज को कम्प्लीट बनाने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाना है स्केचवेयर में और यहाँ पर मैं उस प्रोजेक्ट पर ओपन कर चुका हूँ और यहाँ पर हमें चले जाना होगा रिडीम के पेज पर। तो रिडीम के पेज पर हमें क्या करना है, एक छोटा सा काम करना होगा। ये हमारा जो ये लीनियर है, ये मेन लीनियर है, तो इस लीनियर पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इस लीनियर के विड्थ हाइट को हम लोग को मैच पैरेंट करना होगा। इसके विड्थ को हमें मैच पैरेंट कर देना होगा, मैच पैरेंट तो है ही। इसके मार्जिन को हम लोग सेट किए हुए हैं तो मार्जिन को हम लोग जीरो कर लेंगे। तो जीरो करने से ये थोड़ा सा फिट हो जाएगा और इसके हाइट को हमें थोड़ा सा और मैनेज करना होगा। तो हाइट को हम लोग क्या करते हैं 140 करेंगे, तो ये कुछ बड़ा जैसा हो जाएगा, तो ये अच्छा लगने लगेगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी टोटल अर्निंग्स रहेगी और इसके बाद मैं आपको आप यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ये आपका रिडीम का जो टेक्स्ट है वो रिडीम का टेक्स्ट होगा। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं आपको 00.00 ऐसे रखना है ताकि आपका ये जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पर शो किया जाएगा। और इसके बाद आपका यहाँ पर पेटीएम नंबर जो है, इसका यूज़र का पेटीएम नंबर आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, अभी पेटीएम नंबर मैं गेट कर लेता हूँ। तो इवेंट में जाने के बाद ऑन क्रिएट में आपको चले जाना है और यहाँ पर आपको कंपोनेंट टैब में जाना है। ऐड कंपोनेंट आपको सेट प्रेफरेंसेस वाला कंपोनेंट ऐड करना है। एसपी और इंटर फाइल नेम आपको डेटा करना है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको जो भी कंपोनेंट का नाम यूज़ करना है तो सेम यूज़ करना है। तो ऐड बटन पर टैप करेंगे, आपके पास दो ब्लॉक्स ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर तीन ब्लॉक्स सेट प्रेफरेंसेस के। तो आपको व्यू बटन में जाना होगा, व्यू टैब में, और इसके बाद आपको टेक्स्ट व्यू से टेक्स्ट वाला लेना है। और यहाँ से वेरिएबल में जाने के बाद आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर जो टेक्स्ट व्यू है पेटीएम नंबर वाला, तो इसको टेक्स्ट व्यू 8 है, तो इसको मैं रीनेम करता हूँ ताकि पहचान में आ जाए, टेक्स्ट व्यू नंबर ऐसे कर सकते हैं आप डायरेक्ट NUMBER। ओके, तो ये टेक्स्ट व्यू नंबर हो गया। तो ऑन क्रिएट में हमें यहाँ पर सेट करना होगा वेरिएबल में से, आप वेरिएबल में से ले सकते हैं या फिर यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ से टेक्स्ट व्यू नंबर को आप यहाँ से पिक कर कैसे लगा लीजिए। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सेट टेक्स्ट में आपको लगाना है कंपोनेंट में से गेट डेटा की, गेट डेटा की में आपको लगाना है सेट प्रेफरेंसेस का एसपी सेलेक्ट करना है, या फिर आप वेरिएबल में जाने के बाद इस फाइल को, नीचे वाले फाइल को आप यहाँ पर ऐसे करके पुट कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम वर्क करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम लोग ऐसा इसलिए लगाते हैं ताकि ये फिट हो जाए और इसमें एरर नहीं आए और समझ में आ जाए जल्दी, ऐसा लगाने से आपका एरर नहीं आता है। तो ये आपका गेट डेटा की, आपका गेट डेटा की क्या ऐड करना है आपको, नंबर NUMBER, तो आपका नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो पेटीएम नंबर आपका यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा और यहाँ पर आपका ये जो बटन्स है, ये जो हम लोग 5-6 बटन्स हम लोग यूज़ किए हुए हैं और ये रिडीम का बटन है, तो आज हम लोग इसके कलर को थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं। ओके, तो ये है हमारा ये बैकग्राउंड कलर, तो इसके बैकग्राउंड कलर को मैं रखने वाला हूँ यहाँ पे अंबर कलर, और ये वाला कलर मैं रख रहा हूँ ताकि ये दिखे कुछ अच्छा। और इसके टेक्स्ट को आपको सेट कर लेना होगा, यहाँ पर आपका एडिट टेक्स्ट जो है, सॉरी, यहाँ पर इसके टेक्स्ट साइज को आपको सेट करना होगा 14 SP, और इसके टेक्स्ट स्टाइल को आपको बोल्ड कर लेना है और टेक्स्ट कलर को आपको वाइट कर लेना है ताकि ये पता चले, ठीक है। और इसके बाद आपको ये जो जितने भी टेक्स्ट हैं तो इसके कलर को आपको थोड़ा सा कस्टमाइज करना है, तो इसका भी बैकग्राउंड कलर हम कुछ ऐसा रखेंगे ताकि वो समझ में आए। तो साइन में आपको जाना है यहाँ पे, वो जो भी कलर पसंद है वो कलर आप रख सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं ऐसा कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो साइन कलर, इसका मैं कोड चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा 18 और 4 times F। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इवेंट में जाना है और सॉरी यहाँ पर रन बटन में मैंने टैप कर दिया, यहाँ पर मोर ब्लॉक पे जाना है आपको, यहाँ से इंपोर्ट फ्रॉम कलेक्शन करना है Radius 2 ब्लॉक को। तो Radius 2 ब्लॉक आपको बना लेना है, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। और अगर आप Radius 2 ब्लॉक को नहीं बनाना जानते हैं तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जा करके वहाँ से उसे देख करके ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको ऑन क्रिएट एक्टिविटी में जाना है और यहाँ से आपको मोर ब्लॉक को लेना है, यहाँ से इस तरह से करके आपको ब्लॉक्स लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ से हमें एक ब्लॉक ही अभी लेना है और ये एक दूसरा ब्लॉक हम लोग लेके ऐसे लगाएंगे। तो इस ब्लॉक में हम लोग सेट करेंगे कौन सा बटन है, बटन के नेम को हम लोग जानते हैं पहले। तो यहाँ पर हमारा बटन 1 2 3 4 5 6
ये 6 बटन है और ये है 7 नंबर बटन। तो हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे, यहाँ पे पहले नंबर पे आपको 7 नंबर बटन सेट करना है और 7 नंबर बटन का आपको रेडियस रखना है, जो भी आप रेडियस रखना चाहते हैं। तो रेडियस मैं फ़िलहाल 100 रखता हूँ। और इसके बाद शैडो को आपको रखना है, शैडो 5 रखिए, 8 रखिए, जो भी रखना है। आप कलर मैं सेट करूँगा बाद में। और यहाँ से आपका ये हो जाएगा बटन 1, और इसके बाद यहाँ पर रेडियस आपको रखना है इसका 12 ताकि अच्छा दिखे, और शैडो में आपको रखना है 5। इसके बाद इसका जो कलर हम लोग अभी देखे हुए थे, यहाँ पर हैश 18 और 4x F, और हम लोग एक बार फिर से चेक करेंगे कि कलर हमारा कन्फर्मेशन सही है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं 18 और FF है ना। तो इसके बाद अब इसका कलर हम लोग सेट करेंगे, चेक करेंगे, यहाँ पर FF8F00। तो यहाँ पर इवेंट में आने के बाद इसमें हम लोग कलर सेट करेंगे हैश FF08 FF8 FF0, इस तरह से कुछ था। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं भूल रहा हूँ, यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ क्या है 8F00। तो यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ 8F00 8F00, इसमें सेट करना है आपको 8F00। ओके, तो सेव करना है यहाँ से, और इसको आपको कॉपी कर लेना है, इस तरह से कॉपी करना है, यहाँ से आपको लगाना है 2, दोनों को कॉपी करना है, यहाँ से आपका हो गया 4, और फिर 2 2 4, और इसके बाद आपको फिर 2 कॉपी करना है, तो इस तरह से आपका 6 हो गया। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना इतना सब बटन्स का हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ से आप बटन को ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बटन 1, इसमें बटन 1 हो गया, इसमें आपको बटन 2 मिल जाएगा, इसमें आपको बटन 3 मिल जाएगा। ऐसा मैं इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि बार बार उसमें टाइप करके सेलेक्ट करना पड़ता है, तो इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका बटन 6 हो चुका है, और यहाँ पर हम लोग बटन 7 ऐसे यूज़ कर लेंगे। तो इसके बाद आपका यहाँ पर इतना सेट हो चुका है, तो यहाँ पर इतना कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो है इसके टेक्स्ट को हम लोग टेक्स्ट साइज को 18 SP करे हुए थे, और टेक्स्ट स्टाइल को बोल्ड भी करना होगा। मैं इसमें नंबर 1 टेक्स्ट डाल करके चेक कर लेता हूँ, फिलहाल मैं यहाँ से कोई भी नंबर डाल लेता हूँ। और इसके बाद आप देख सकते हैं मैं इसके टेक्स्ट साइज को ठीक रखा हूँ, और यहाँ पर आपका टेक्स्ट स्टाइल को करना होगा बोल्ड करना है, और एंड यहाँ पर आपको टेक्स्ट का कलर भी सेट करना होगा, कलर आपको अंबर कलर ऐसा मैं रख रहा हूँ, आपको जो भी मर्जी होगा अपना वो कलर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं ये ऐसा कुछ कलर बनेगा, और ये ऐसा बन चुका है। और इसके बाद हम लोग इसे रन करके चेक करेंगे कि ये कैसा बना हुआ है, और बाकी जो भी ब्लॉक वगैरह के काम बच गए हैं इसमें बटन के, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी ही क्लियर करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर आने वाली है कि हम लोग इसके ब्लॉक्स को क्लियर करेंगे, इसमें जो भी पेमेंट आएगा उसे रिडीम कैसे करेंगे, और यूज़र को कितना कितना पेमेंट कैसे रिडीम करना है, तो वो सारे चीज़ हम लोग इसी ब्लॉक में सेट करने वाले हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये एपीके बिल्डिंग प्रोसेस में है, और ये जल्दी ही एपीके बिल्ड हो जाएगा। और जैसे ये एपीके बिल्ड होता है मैं इसे इंस्टॉल करके आपको शो करने वाला हूँ। तो इसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे इस पर टैप करना है और अपना डेटा कनेक्शन ऑन कर लेना है, और इसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसे आपको ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको स्टार्ट बटन पे टैप करना है, प्रोफाइल पे जाना है, सॉरी प्रोफाइल पे नहीं, अभी आपको अर्निंग के पेज पे जाना है, और यहाँ से आपका रिडीम मनी वाले पेज पर चले जाना है। तो आप देख सकते हैं आपका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पर आपका ये जो बटन का कलर है, तो ये जब आप पेमेंट सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए 1 रुपया, तो आपके पास यहाँ पर अगर 1 रुपया रहेगा, तो यहाँ पर से 1 रुपया सेलेक्ट करेंगे तो इसका कलर भी चेंज होगा, और यहाँ पर आपका 1 रुपया भी आ जाएगा। इसके बाद आप रिडीम बटन पर टैप करेंगे तो ये रिडीम हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपके पास पेमेंट नहीं रहेगा, यहाँ पर पेमेंट आपका 0 रहता है, तो यहाँ पर आप 1 रुपये सेलेक्ट करते हैं, तो आप यहाँ पर मैसेज आएगा, टोस्ट मैसेज बताएगा कि आपके पास पेमेंट इनसफिशेंट है, पहले आप अर्न करिए, इसके बाद आप रिडीम कर सकते हैं। तो ऐसा फंक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। तो अगर आपके पास इस ऐसा लॉजिक है, जान रहे हैं आप, तो आप अपने खुद से बना सकते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो बाकी जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिए, क्योंकि मैं इस तरह के बहुत सारे एडवांस ऐप के और भी बहुत वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।